यूपी एल टी ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स के लिए मोस्ट क्वेश्चंस वेक्टर से वीडियोस नंबर है हमारा थर्ड। इसमें हम मोस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं वेक्टर से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें फर्स्ट है, ए एंड बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द अदर वेक्टर, यानी कि बी डॉट बी ए माइनस ए डॉट बी डॉट बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए आई प्लस जे प्लस के एंड आई माइनस का बी जे प्लस के एंड आई प्लस जे माइनस सी के, आई प्लस जे माइनस सी के आर कोप्लेनर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी प्लस टू, ये किसके इक्वल है, ये क्वेश्चन वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है ए बी सी आर द थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड पी क्यू आर द वेक्टर, डिफाइन द रिलेशन, यानी कि वेक्टर पी इक्वल टू है वी क्रॉस सी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी एंड क्यू इक्वल टू है सी क्रॉस ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी एंड आर इक्वल टू है ए क्रॉस बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी डॉट पी प्लस बी प्लस सी डॉट क्यू प्लस सी प्लस ए डॉट आर इक्वल टू थ्री आता है, आंसर भी बता दे रहे हैं, यानी इस वैल्यू शो कर फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करके जो आएगा वो आएगा थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स, देन ए डॉट बी प्लस सी प्लस बी डॉट सी प्लस ए प्लस सी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, गिवन है मोडो वेक्टर इक्वल टू वन, मोडो वेक्टर बी इक्वल टू फोर एंड मोडो वेक्टर सी इक्वल टू एट, देन ए प्लस बी प्लस सी का मोड वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका आंसर आता है नाइन। ठीक है, ये हमको वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज होगा रूट थ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन सी क्रॉस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए क्रॉस सी, बी डॉट ए क्रॉस सी अपॉन सी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू वैल्यूज आता है जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू थ्री गिवन दिया है, मोड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू फाइव एंड मोड वेक्टर सी इक्वल टू सेवन, द एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल हमको फाइंड करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड मोड ऑफ वेक्टर ए, मोड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू अंडर रूट टू मोड ऑफ वेक्टर ए, देन रिलेशन इसमें आएगा सो दैट टू ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर टू ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये हमको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेक्टर आर सेटिस्फाई द इक्वेशन, वेक्टर आर सेटिस्फाई ए इक्वेशन आर क्रॉस ए, आर क्रॉस ए इक्वल टू वी एंड आर डॉट ए इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यानी आर आएगा ए क्रॉस वी अपॉन ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन द वेक्टर आई माइनस जे प्लस के एंड आई प्लस टू जे प्लस के इज, यानी कि एंगल फाइंड करना है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा से निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ
which vector I and I plus j are adjacent sides हैं. Area of parallelogram निकालना है. Adjacent side यानी vector a equal to I and vector b equal to I plus j area इसका find करना है. ये हो जाएगा 1 by 2 vector a cross vector b का mod. इससे value find कर लेंगे. Next question है A, B, C, D are the vertex of a square. Vector A, Vector B, Vector C and Vector D are the vertexes of a square. Then, एक relation इसमें बनता है. Vector C minus Vector A dot T minus Vector B equal to 0. यानि कि यह इससे values prove करना होगा. Next question है. Vector A का mod. Vector A का mod equal to root 5 and vector B का mod equal to under root 6. Find the value of A cross B, cross vector B and cross vector B equal to A cross vector B का hollow bracket cross vector B. ये आया करती है 6 B cross A के बराबर. ठीक है. Next question अब आता है. Vector A and B are the inclination and angle theta equal to 120. 120 पर incline है A and B and given है mod of vector equal to 1, mod of vector B equal to 2, then A plus 3B cross 3A minus B का whole of square equal to 300. यानी कि ये quantity 300 के equal आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कंपटीशन के लिए आता रहता है. वेक्टर a डॉट i इक्वल टू a डॉट i प्लस j इक्वल टू a डॉट i प्लस j प्लस k देन a इज इक्वल टू a होता है 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर a इक्वल टू माने मोड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 1. इसको हटा दें. Mod of vector A equal to 1 and A cross R equal to vector B and A dot R plus C A dot R plus C and comma ये तो इसके equal है. हाँ, A cross R equal to B दिया है. A dot R plus C and a dot b equal to 0. Then r की वैल्यू फाइंड करना है. ये वॉल्यूम में होंगे एंड वेक्टर r equal to फाइंड करना होगा. r की वैल्यू क्या आती है. यहां पे हम आंसर लिख दे रहे हैं r equal to होगा c वेक्टर a minus a cross b. थोड़ा सा टफ हो गया ये क्वेश्चन. इस लेवल से थोड़ा ऊपर का लेवल का हो गया है. इसको चाहे हम नहीं करना चाहे तो रहने दीजिएगा. कोई दिक्कत वाली बात नहीं.